हेलो फ्रेंड्स, एन के ऑलराउंडर टेक्निकल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप बिना एटीएम कार्ड के पैसे को कैसे विड्रॉल यानी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी अपने एटीएम मशीन के द्वारा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बात कर ले टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी आज के डेट में इतना एडवांस हो गया है फ्रेंड्स कि आप बिना एटीएम कार्ड के भी पैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी एटीएम मशीन के द्वारा। फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम फुल डिटेल में इसका फुल प्रोसेस बताएंगे आपको। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है फ्रेंड्स। तो और बात कर ले फ्रेंड्स, तो आज के पहले आपने देखा होगा कि बिना एटीएम का कार्ड के यूज किए पैसे को आप विड्रॉल यानी निकासी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे भी और आपको दिखलाएंगे भी कि कैसे आप अपने पैसे को बिना एटीएम कार्ड के ही विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी एटीएम मशीन से फ्रेंड्स। तो चलिए हम ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखलाते हैं कि कैसे आप अपने पैसे को विड्रॉल यानी निकासी कर सकते हैं, वो भी एटीएम मशीन के द्वारा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे ही इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए ले चलते हैं हम अपने डिस्प्ले पर और दिखलाते हैं कि आप कैसे अपने पैसे को बिना एटीएम के निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपने डिस्प्ले पर ले चलते हैं। आपको क्या करना है, अपना येनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस होगा। देख सकते हैं थोड़ा देर सर्च लेगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो न्यू इंटरफेस है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो भी एम पिन हो वो आपका डाल लेना है फ्रेंड्स। डालने के बाद आपका फाइनली लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं येनो कैश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है थर्ड नंबर पर, उसको क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर एटीएम का देख सकते हैं 20,000 तक आप निकाल सकते हैं इस तरह से कैश फ्रेंड्स। तो सिंपली आपका जो भी एटीएम पर क्लिक करके उसके बाद कैश जो भी निकालना है वो अमाउंट को यहां पर एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका क्रिएट पिन पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको 6 डिजिट का पिन क्रिएट कर लेना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं इस तरह से हमने पिन क्रिएट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पर यानी कन्फर्म कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इस प्रकार से आपका यहाँ पर एग्री कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके उसके बाद सबमिट कंफर्म कर लेना है। इस प्रकार से आपका जो एम पिन क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स रखना है कि ये पिन आपका 4 आवर के लिए वैलिड होता है, ओनली 4 आवर के लिए फ्रेंड्स। तो आप जाकर अपने नियरेस्ट एटीएम में जाकर और एसबीआई के एटीएम में जाना है फ्रेंड्स। इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर येनो कैश का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। तो आपको जो एसएमएस में 6 डिजिट का पिन आया होगा, जो आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा होगा इस तरह से आया होगा, उसको डालकर आपको कंफर्म कर देना है फ्रेंड्स। कंफर्म करने के बाद आपको फिर आपको अमाउंट जो भी अमाउंट वहां डाले है वही डालिएगा, नहीं तो आपका विड्रॉल नहीं होगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद कंफर्म कर देना है जो भी अमाउंट है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो 6 डिजिट का जो पिन क्रिएट किए थे खुद से वो पिन डालना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम डाल दे रहे हैं इसमें। डालने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फाइनली इसमें भी आपको कंफर्म कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग में चले जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद ये आपका जो भी कैश होगा वो देख सकते हैं, आपका जो कैश यहाँ पर से हम कलेक्ट कर ले रहे हैं देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बिना एटीएम का ही कैश मेरा निकल गया है फ्रेंड्स, विड्रॉल हो गया है फाइनली। तो फाइनली फ्रेंड्स आप इस तरह से अपना पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं बिना एटीएम को। तो फाइनल फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।